खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए KNN मीडिया, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल, हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हम लोग फतेहाबाद जिला शहर में यहाँ पे जानेंगे लोगों की समस्या। ये आप देखिए, जहाँ तो हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नरेंद्र मोदी जी ने मिशन चलाया हुआ है स्वच्छ भारत अभियान, उसी के तहत देखिए हमारे रतिया में वार्ड नंबर 12 में कैसे लोग इस पानी के ढेर में, गंदे पानी के ढेर में, जिससे कितना इन्फेक्शन, बीमारियों फैलने का भी डर रहता है। आइए जानते हैं लोगों से भी, उन्होंने किस किस उच्च अधिकारी को शिकायत दी है और क्या क्या अधिकारियों ने उनको आश्वासन दिया है। आइए जानते हैं उनसे उनके विचार। इस समस्या को लेकर आपने कभी किसी अधिकारी को, तो इसको लेकर आपने कभी किसी को शिकायत दी है अधिकारी को? हाँ जी, MC को दी है, JE को दी है और नगर पालिका में दी है, SDM को दी है, लेकिन आज तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। किसी ने कोई भी आकर मौका भी नहीं देखा? किसी ने मौका नहीं देखा जी आज तक। जो ये इतना पानी है, गंदा पानी है, इससे कोई इन्फेक्शन है, बीमारियां फैलने का डर नहीं रहता? इन्फेक्शन है सर जी, हर रोज इन्फेक्शन है, हर रोज हर बच्चे का सेल घट रहा है, किसी के टाइफाइड हो रहा है, किसी के निमोनिया हो रहा है, हर घर का हर बच्चा हर डेली बीमार होता है। बच्चा गिर गया फतेहवीर की तरह, किसी ने ना देखा 10 मिनट के अंदर बच्चा बाहर ना निकला तो उसके जिम्मेवार कौन होगा? प्रशासन होगी या नहीं होगा? पालिका मुर्दाबाद, पालिका मुर्दाबाद, पालिका मुर्दाबाद, हरियाणा सरकार, हरियाणा सरकार मुर्दाबाद। वार्ड नंबर 12 में घरों के बाहर इतना पानी इकट्ठा है कि वहाँ पे मच्छरों के कारण बीमारियाँ फैल रही है, तो उन वार्ड वासियों का कहना है कि वो 2-3 बार कई बार आपको मिल भी चुके हैं, शिकायत भी दे चुके हैं, पर उनका अभी तक कोई भी समस्या समाधान नहीं हो रही। इस बारे में टेक्निकल ब्रांच के लिए वहाँ पे एस्टीमेट बना के वहाँ पे जो भी समस्या है, जो पानी रुकने की, उसके लिए अवगत करा दिया गया और इस पर कार्रवाई अमल में लाई जाएगी, टेंडर होने उपरांत उस समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल, और जो इसके इस डिपार्टमेंट के उच्च अधिकारी है उस इस मामले में तह तक जाया जाएगा और इनकी समस्या का जल्द से जल्द सोल्यूशन किया जाएगा।